नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में आज नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है। इस बीच में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद हरियाणा की 4 सीटें दिग्गज नेताओं और उम्मीदवारों के कारण हॉट सीट के रूप में बदल गई। सबसे पहली हॉट सीट है हिसार की, जहाँ पर चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी के युवा नेता दुष्यंत चौटाला के अतिरिक्त सर छोटूराम की चौथी पीढ़ी के सदस्य विजेंद्र सिंह के साथ साथ भजनलाल की तीसरी पीढ़ी में भव्य बिश्नोई का साथ होने के कारण आपस में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब यह दिलचस्प होगा कि जहां पर हिसार से भजनलाल की कर्म भूमि रही है, तो वहीं पर दुष्यंत चौटाला व अजय चौटाला की भी ये कर्म भूमि है, और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी कर्म भूमि है, जिनके IAS बेटे विजेंद्र सिंह इस समय BJP से मुकाबले में उतरे हैं। इन तीनों दिग्गज नेताओं की वजह से ये हॉट सीट में बदल गई है। वहीं दूसरी हॉट सीट है सोनीपत, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घोषणा 21 अप्रैल को हुई। वहीं 22 अप्रैल को JJP विन ने अपने दूसरे नंबर के तेज तर्रार युवा नेता दिग्विजय को उतार दिया, जिसके चलते यह हॉट सीट में बदल गई। उधर दूसरी ओर रमेश कौशिक भाजपा के सांसद इन जाट नेताओं से मुकाबला करने के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। वहीं तीसरी हॉट सीट पर आप चलते हैं, वो है रोहतक की हॉट सीट, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बड़ी चुनौती भरी सीट है और अन्य दूसरी पार्टियों के लिए, क्योंकि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, ये हुड्डा परिवार की पूरी तरह से कर्म भूमि रही है। जहां जाट आरक्षण के दौरान रोहतक व आसपास के क्षेत्रों में गैर जाट का नुकसान होने के कारण रोहतक संसदीय सीट पर जाट व गैर जाट के बीच में मानो एक लकीर खींच गई है। ऐसे में भाजपा ने भी एक गैर जाट अरविंद शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं JJP ने प्रदीप देसवाल को ला करके मुकाबले में खड़ा कर दिया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सोनीपत से चुनाव लड़ने के कारण सोनीपत के साथ साथ रोहतक सीट भी लोगों की नज़र में है। अब इस पर भी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब आपको बता देते हैं चौथी सीट हॉट सीट है कुरुक्षेत्र की, जहां पर अभय सिंह चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इनका मुकाबला दूसरी तरफ भाजपा के नायाब सिंह सैनी से है। हालाँकि कांग्रेस की तरफ से निर्मल सिंह इस चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। निर्मल सिंह का राजनीति का लंबा अनुभव और पूर्व CM हुड्डा का साथ है। उनको जाट व जट सिखों के वोटरों से पूरी आस है। तो ये थी इन 4 लोकसभा की हरियाणा की सीटें को, जिन्हें ये चुनाव हॉट सीट बनाते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की खास रिपोर्ट।